करबला का एक सबक हमको ये भी कि देखो करबला खाली ये मसाला नहीं कि तलवार का मुकाबला करना पड़ रहा, करबला में फकत ये सबक नहीं दिया जा रहा कि तुम्हें मैदान जंग में निकल के अपनी जान कुर्बान कर देना पड़ रही, नहीं, उससे पहले के हालात को देखिए कि कितना सख्त माशरती दबाव था जो करबला के मुजाहिदों पर, जो करबला के शहीदों पर, जो करबला के सिपाहियों पर कायम किया जा रहा था कि सारा माहौल खाली यजीद की ताकत से नहीं टकराना, खाली यजीद होता तो शायद और भी कुछ लोग आ जाते, मगर यजीद नहीं बल्कि पूरा माशरा इस वक्त यजीद का हमनवा बना हुआ। एक आदमी ऐसा हमको नजर नहीं आता जो हुसैन इकदाम की तारीफ या तायीद कर रहा, ये खानदान हुसैन को छोड़कर और उन मुंतखब असहाबे इमाम को छोड़कर जो इमाम के लश्कर में शामिल हुए, बाकी तारीख इस्लाम में देख ली, बड़े बड़े जलील व कदर सहाबी और उनकी औलाद वो तक जमाने के हालात को देख के हुसैन को मना कर रहे, हुसैन को रोक रहे, हुसैन के साथियों पे दबाव डाला जा रहा, कभी हमदर्दी के पर्दे में, कभी मशवरे और नसीहत के तौर पर मैदान करबला पहुंच कर जो जान कुर्बान की गई वो तो है ही एक अजीम मंजिल, मगर उससे पहले की मंजिल भी कम नहीं। 28 रजब को हुसैन मदीने से निकलते हैं और 8 ज़िलहिज को हुसैन मक्के को खुदा हाफिज कहते हैं और 2 मुहर्रम यानी बस ये जो आज की रात है, ये 2 मुहर्रम की शब सफर में हुसैन की आखिरी शब थी, क्योंकि कल का जो दिन आया तो हुसैन करबला पहुंच गए। इस पूरे सफर में, पूरे सफर में मदीने से मक्का और मक्के से करबला, सबसे बड़ा मसला यही कि जो मिलता है, जो मुलाकात करता, जिस इलाके से हुसैन गुजरते, जो काफिला हुसैनी काफिले के रास्ते पे चलता, हर एक की जबान पे एक ही जुमला कि मौला ये आप क्या गलती करने जा रहे हैं, मौला हालात ऐसे नहीं है कि यजीद का मुकाबला किया जाए। किस्म किस्म के मशवरे, किस्म किस्म की नसीहतें असहाब इमाम को, करबला के मैदान की कुर्बानियों पर तो हम सलाम करते, मगर इतने बड़े माशरती दबाव का मुकाबला करना ये भी असहाब इमाम का एक बहुत बड़ा कारनामा। हाँ, उस वक्त हमें सिर्फ एक खानदान बनी हाशिम तो नजर आता जिनका अंदाज कुछ और, जिनका तरीका कुछ और, जहां हर शख्स हुसैन की हर बात पर समीना व अताना की मंजिल पर ज्यादा से ज्यादा एक शख्सियत थी जिनके बारे में शक हो सकता था कि शायद वो हुसैन को करबला जाने से रोकेंगे, इसलिए कि खानदान के मर्दों में इस वक्त वो सबसे बुजुर्ग है जो मक्के में मौजूद है और वो है अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। जाफर तैयार मेरे मौला के बड़े भाई, उनके बेटे अब्दुल्ला जो उम्र के एतबार से इस वक्त खानदान बनी हाशिम जो मक्के में लोग हैं, मक्के वाले उनमें सबसे ज्यादा मुअम्मर है और उम्र इतनी कि आंखों की बीनाई तकरीबन जवाब दे चुकी, वो भी मक्के के अंदर मौजूद, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में यह सोचा जा सकता। लेकिन अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार जो जुमला तारीख के औराक पर आया वो बता रहा कि खानदान बनी हाशिम किस तरह से सारे माजरे से मुख्तलिफ फिक्र रखता था। और ये जुमला कब हमारे सामने आया, बड़ी अजीब तारीख थी, 8 ज़िलहिज। इस मजमे के अंदर मुझे कितने ही ऐसे चेहरे नजर आ रहे जो हज बैतुल्ला की सादत को अंजाम दे चुके और इन सबको ये मालूम है कि हाजियों के लिए 8 ज़िलहिज का दिन कितना अहम होता। 9 ज़िलहिज को हज शुरू होता, 8 ज़िलहिज वो आखिरी दिन कि जब सारे आलम इस्लाम से हाजी मक्के में जमा हो जाते, आने वालों का हुजूम होता और सब हज का इहराम पहन रहे होते। 8 ज़िलहिज यौम तरबिया आगाज हज, इहराम हज पहना जाता। मगर तारीख की यह कितनी शफाक हकीकत कि जब सारी दुनिया आकर इहराम हज पहन रही, उस वक्त फरजंद रसूल जो इहराम हज पहन चुका उसे इहराम हज उतारने पे मजबूर किया जा रहा। हाय मेरा मौला, जिसे अपनी जिंदगी का ये आखिरी हज मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया गया। 8 ज़िलहिज लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें बुलंद करके इहराम ज़ेब तन किए हुए हाजियों के काफिले मक्के आ रहे हैं। और जिसने दुनिया को हज सिखाया, जिसने दुनिया को दर से हज दिया, उसी का बेटा है, उसी का फर्जंद है इहराम हज को इहराम उमरा से बदला और मक्का छोड़ के जा रहा है।
हुसैन के लिए ये मंजिल कितनी मुश्किल थी। वो इमाम जिसने जिंदगी में 25 हज पयादा अंजाम दिए, आज 26वां हज, फकत 2 दिन बाकी बचते हैं हज में और उसे हज मुकम्मल नहीं करने दिया जा रहा। तारीख बताती है हुसैन को मक्का छोड़ने का इतना सदमा था, इतना दुख था कि हुसैन का काफिला चला खाने काबा से दूर करबला की जानिब, मगर अजीब तरीका है मेरे मौला का, अपने घोड़े सुलझना पे सवार हैं, घोड़ा आगे बढ़ रहा है, हुसैन आगे नहीं देख रहे, हुसैन गर्दन को घुमा के पीछे खाने काबा को देख रहे हैं। जब तक खाने काबा नजर आता रहा, मेरे मौला ने आगे की जानिब निगाह न की, मेरे मौला ने अपनी सवारी के रास्ते को न देखा। जब तक काबे की आखिरी झलक हुसैन की आंखों के सामने रही, मेरा मौला गर्दन झुक घुमा घुमा के खाने काबा को देखता रहा, और यहां तक कि वो मंजिल आ गई कि